नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बात करते हैं स्पोर्ट्स की प्रमुख पांच खबरों के बारे में। ये वीडियो खास करके उनके लिए है जो अपनी रुचि स्पोर्ट्स में रखते हैं। पहली खबर है, राहुल द्रविड़ होंगे श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के कोच। बीसीसीआई ने की इस बात की घोषणा। जी हाँ, श्रीलंका दौरे के लिए बीसीसीआई ने हाल ही में 20 सदस्य टीम इंडिया की घोषणा की थी। इस टीम के कोच का ऐलान भी हो गया है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख राहुल द्रविड़ श्रीलंका दौरे के लिए टीम के कोच होंगे। टीम की घोषणा करते वक्त कोच के नाम का ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन अब बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे पर राहुल द्रविड़ को टीम का कोच बनाया है। वहीं दूसरी तरफ जो अब राहुल द्रविड़ जो हैं बतौर कोच सीनियर टीम इंडिया से जुड़ेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टीम इंडिया की विराट चिंता। 18 साल से न्यूजीलैंड को आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं हरा पाया है भारत। जी हां, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलने में अब सिर्फ 3 दिन ही रह गए हैं। दोनों टीमों के बीच होने वाले इस खिताबी मुकाबले का इंतजार क्रिकेट फैंस को बेसब्री से है। सबके जहन में बस यही सवाल गूंज रहा है कि दोनों देशों के बीच होने वाले इस मुकाबले में कौन जीतेगा। आईसीसी टूर्नामेंट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मैचों के आंकड़ों की बात करें तो टीम इंडिया कीवियों से काफ़ी पीछे है। इन आंकड़ों में भारतीय टीम की टेंशन को बढ़ा दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनुष्का शर्मा टी कॉन्ट्रोवर्सी। जी हां, अनुष्का शर्मा को चाय सर्व करने के विवाद पर एमएसके प्रसाद ने तोड़ी चुप्पी, कही ये बड़ी बात। जी हाँ, टीम इंडिया के जो पूर्व मुख्य सेलेक्टर हैं एमएसके प्रसाद ने 2 साल के बाद विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा को चाय परोसने वाले कमेंट पर चुप्पी तोड़ी है। 2019 वर्ल्ड कप के दौरान टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर फारूक इंजीनियर ने एमएसके प्रसाद के बारे में खुलासा किया था कि पूर्व भारतीय सेलेक्टर विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा को चाय परोस रहे हैं। अब एक बातचीत के दौरान फारूक इंजीनियर ने अनुष्का शर्मा से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैंने तो बस मजाक ही किया था, इसे तिल का तार बनाया जा रहा है, अनुष्का को इसमें घसीटा जा रहा है, वो एक अच्छी लड़की है। विराट कोहली एक शानदार कप्तान है और कोच रवि शास्त्री बेहद अच्छे हैं, इस मामले को बेवजह बढ़ाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। WTC फाइनल, तेज गेंदबाज ईशान शर्मा ने खिताबी मुकाबले को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान। जी हाँ, भारतीय टीम ने एक इंट्रा स्क्वाड मैच खेला जिसमें भारतीय खिलाड़ी अपनी शानदार लय में नज़र आए। इस इंट्रा स्क्वाड मैच में भारतीय टीम के जो शानदार दिग्गज तेज गेंदबाज हैं ईशान शर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने 3 विकेट भी लिए। इसी दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है बातचीत के दौरान, मुझे लगता है कि यह उतना मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है कि बिना लाड़ के भी गेंद स्विंग करेगी और किसी को गेंद को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी लेनी होगी और अगर इन परिस्थितियों में गेंद को अच्छी तरह से मेंटेन रखा जाए तो गेंदबाजों के लिए इन परिस्थितियों में विकेट लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अक्षय पटेल का प्लेइंग 11 से बाहर होना लगभग तय हो गया है। जी हाँ, टीम इंडिया के स्पिनर अक्षय पटेल का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसलिंग विज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 से बाहर होना लगभग तय हो गया है। इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज में अक्षय पटेल को टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला था और इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी अक्षय पटेल को जो है वो प्लेइंग 11 में नहीं खेलने का मौका दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि रविंद्र जडेजा जो है वो फिट होकर वापसी कर चुके हैं अपनी टीम में और टीम इंडिया के जो कप्तान है विराट कोहली और जो हेड कोच है रवि शास्त्री वो प्लेइंग 11 में अक्षय पटेल को ना लेकर रविंद्र जडेजा को ही अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे। स्पोर्ट्स जगत में आज बस इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।